इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से शहर के 10,000 से अधिक कारोबारियों और व्यापारियों ने प्रदेश में नई पहल करते हुए 2 दिन शनिवार और रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन की शुरुआत की। इस मुहिम में सराफा जैसे पुराने बाजार ही पूरी तरह बंद रहे और सियागंज का थोक कारोबार, जेल रोड, लोहा बाजार, क्लॉथ मार्केट, रिवर साइड रोड और नॉवेल्टी मार्केट सहित अन्य जगह काफी हद तक बंद रहे। लेकिन वही शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला मार्केट राजबाड़ा पूरी तरह खुला रहा, जहां खासी भीड़ नजर आती है। कोठारी मार्केट, रानी मार्केट जैसी जगहों पर कुछ दुकानें ही खुली नजर आई। स्वैच्छिक लॉकडाउन के पक्ष में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने दिन भर बाजार, व्यवसाय और दुकानें बंद करने की अपील की। वहीं विरोध में कुछ कारोबारियों ने जमकर संदेश चलाए और कहा कि जब नेता लगातार राजनीतिक सभा आयोजन कर रहे हैं तो फिर बाजार बंद करने से कोरोना की तो नहीं लेकिन कारोबारियों की कमर टूट जाएगी। कारोबारियों ने कहा कि यह स्वैच्छिक बंद है, इसके लिए एसोसिएशन और प्रशासन हम पर दबाव नहीं डाल सकता। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।